शेख, मेरा सवाल ये था, आपने जो एक बार बताया था कि निकाह में जो वली होते हैं वो बाप, दादा और भाई मतलब होते हैं, तो जैसे अगर बाप है तो भाई वली नहीं हो सकता। तो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरा निकाह असल में जो हुआ था तो उसमें मेरे वालिद थे, लेकिन वली वली जो बने थे वो भाई बने थे और क्या मेरे वालिद ताया बने थे। मौजूद, सुनिए, क्या वालिद मौजूद थे, राजी थे? तो जी, मौजूद थे। जी देखिए, वली बनने का मतलब जो आपने समझा है वो मतलब ये नहीं है। वली बनने का, जैसे बाप मौजूद है, जी निकाह सारी चीजें शादी बाप ने तय किया, जहां निकाह हो रहा है बाप मौजूद है, रजामंद है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब वली बनने के जी लिए ऐसा नहीं है कि उसके जो है माथे पर कोई निशान लगाना होगा कि ये वली बन रहा है। बाप मौजूद जी है वो वली है, खलास। उस बाप मौजूद है, रजामंद है, सारी चीजों में शामिल है। अब वो वहां निकाहनामे में निशान हमारे यहाँ लिखते हैं ना शेख, निकाहनामे में हमारे यहाँ नहीं, लिखते हैं ना वो वली। जो निकाहनामे में लिखना है वो कागजी प्रोसेस है, उसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां जी। पर ऐसा नहीं है कि निशान जद करना है कि ये जितने लोग मजलिस में मौजूद हैं फला आदमी इसमें वली है, ऐसा नहीं। बाप मौजूद है, दादा भी मौजूद है, भाई मौजूद है और चचा मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, तो जाहिर है, और ये सारे लोग ही राजी हैं। तो बाप क्यों, बाप बहैसियत वली मौजूद है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकायदा वहां जिक्र किया जाए कि फला वली है, नहीं।